और चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी खबर है, नशे पर नकेल कसी गई, 11 किलो 600 ग्राम अफीम जब्त की गई, 25 लाख की इसकी कीमत आंकी जा रही है। एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ, कपासन थाना पुलिस ने कार्रवाई की, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। और सुभाष चंद चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। सुभाष चंद, और क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अफीम वाले मामले में बड़ा अपडेट यह है कि इस पूरे मामले में जो तस्कर अंबालाल पाटीदार है उसको नामजद कर लिया गया, उसको मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता ये मिली है कि रंगे हाथों अफीम के साथ ये तस्कर गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में कोई किसी बड़े रैकेट का खुलासा होने की पूरी संभावना है कि कहां से ये अफीम लाई जा रही थी और इतनी बड़ी तादाद में अफीम कहां भेजी जा रही थी, क्योंकि अमूमन सामने ये आता है कि अफीम तस्करी के मामले में जो बड़े वाहन है उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये पहला मामला जहां इतनी बड़ी भारी मात्रा में मोटरसाइकिल के जरिए अफीम ली जा रही थी। जी जी सुभाष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है फिलहाल और जांच जारी है। 25 लाख रुपए इसकी कीमत आंकी जा रही है।